So पल्लवी, वेलकम टू बोल बोल बॉलीवुड। थैंक यू। और क्या क्या कहना चाहोगे शो के बारे में? शो यू नो काफी पसंद किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? शो तो बहुत अच्छा चल रहा है। इवन मैं आज ही आई हूँ, लाइक ऐसे 2-3 दिन का गैप था तो मैंने सोचा थोड़ा मुंबई घूम के, क्योंकि इट्स ऑलरेडी लाइक मोर देन 20 डेज पे शूटिंग होते हैं, लेकिन राजकोट एंड इट्स 42 डिग्री टेम्परेचर। ओहो 42, इट्स टू हॉट, लाइक टोटली हॉट। बट हम बहुत मजे में शूट कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम क्वारंटाइन हो गए वहां पे। वी आर शूटिंग देयर ओनली, लाइक वी आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड द होटल एंड द पैलेस वेयर वी आर शूटिंग। इट्स लाइक थोड़ा सा पहाड़ चढ़ के ऊपर है, थोड़ा सा वेरी ओल्ड पैलेस वेयर वी आर शूटिंग। सो द प्लेस इज अमेजिंग एंड मतलब मुझे ना मुंबई आके कल भी फील नहीं हुआ कि लॉकडाउन है। आज सुबह पहले वो कब ना लाइक गाड़ी वाड़ी सब कम चल रहे हैं, मतलब लॉकडाउन मतलब वो पुराने एक साल पहले वाला फील नहीं आ रही थी मुझे, क्योंकि वहां पे मुझे पता ही नहीं चल रहा था। क्योंकि हम सुबह 5:30 बजे उठते हैं, फिर शूट पे जाते हैं, फिर शाम को 7-8 बजे आते हैं, फिर वहां पे हम सब जिम करने जाते हैं, उसके बाद डिनर करके फिर सो जाते हैं, मतलब एकदम सॉर्टेड रूटीन है। फिर बातचीत करते हैं इससे उससे, ये ना पूरा शिफ्ट करना, यहाँ से सेट पूरा शूटिंग है ना शिफ्ट करना मुंबई से राजकोट, ये कितना डिफिकल्ट था आप लोगों के लिए? और यू नो जब ये न्यूज सुनी थी आपने कि यू नो यहाँ पर मुंबई में ये शूट नहीं कर सकते और रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? मुंबई में आई वाज वेरी हैप्पी, मतलब फॉर मी द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। कि जैसे ही मुझे पता चला कि लॉकडाउन होने वाला है, आई जस्ट कॉल्ड देम लाइक अभी क्या होने वाला है, लाइक शूटिंग तो बंद, अभी रिस्ट्रिक्शन मतलब दे दिया था तब तक मतलब जब लाइव आए थे वो सीएम, तो उन्होंने बोल दिया था कि शूटिंग वगैरह कुछ नहीं होगा। तो एंड आई वाज लाइक मैं कुछ नहीं, सीधा कॉल करके अब क्या होगा, आर वी गोइंग आउटडोर? क्योंकि मैंने ये सुनने को तो आया था, पहले से बातचीत चल रही थी कि अगर लॉकडाउन हो जाए तो विल गो आउटडोर, बट पहले राजस्थान ठीक हुआ था ऐसा, तो राजकोट तो बहुत बाद में डिसाइड हुआ, तो पहले राजस्थान ठीक होता था। जस्ट कॉल देम लाइक क्या होने वाला है, लाइक नो नो हम जाएंगे अभी 4-5 दिन में, विल टेस्ट सबका टेस्ट कराएंगे, उसके बाद जैसे रिपोर्ट आएगा तो बस टेस्ट ही जिंदगी। अभी तो मतलब कल भी आई डिड माय टेस्ट लाइक मुंबई एयरपोर्ट पे, देन आई केम, अभी मैं जाने से पहले अगेन आई हैव टू डू माय टेस्ट, सो इट्स गोइंग लाइक दैट। दैट्स ओके, पहले बट वी आर वेरी हैप्पी। Okay. और सब इतना अच्छे से काम हो रहे हैं, बिकॉज प्रॉपर लाइक एकदम प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ सेट पे हमारे डॉक्टर्स है, जैसे ही हम जाते हैं शुगर लेवल चेक होता है, फिर हफ्ते में एक बार हमारा सबका टेस्ट होता है, तो एकदम और सबको सेपरेट रखा गया है। लाइक हम जितना बातचीत करते हैं वो तो सब अपने रूम में जाके करते हैं, बट अदरवाइज वी आर स्ट्रॉन्ग, मतलब स्टेइंग गुड। इसके अलावा अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो यू नो आपकी रूटीन जो फूड डाइट की रूटीन होती है, तो उस डाइट में आप क्या ऐसी चीज ले रहे हो जिससे आप ये सब कोविड वगैरह से बचे रहो ना हेल्दी रहो? मैं तो मेरा जो अभी डाइट, एक्चुअली पिछले साल लॉकडाउन में मैंने बहुत ज्यादा पुट ऑन कर लिया था, तो इस साल मेरा जो डाइट होता है लाइक आई एम वेरी फूडी, आई लव फूड। मुझे मतलब खाना नहीं भी दो, मुझे बता दो 2-3 खाने का नाम, आई वाज लाइक ओके आई एम हैप्पी, तो ऐसा होता है। बट अभी फिलहाल जो मेरा डाइट है पर्सनली, आई ईट नथिंग, सिर्फ दिन में एक ही मील लेती हूँ मैं, एंड दैट इज बॉइल्ड दाल एंड ब्राउन राइस, नथिंग एल्स। सो दिस आई हैव, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप लोग भी बिल्कुल मत करिए। हैव फ्रूट्स स्टिल, क्योंकि मेरा अभी 2-3 महीने पहले जो डाइट था वो यही था कि 12 बजे तक मैं मतलब जनरली दिस डाइट आई फॉलो, अभी तो चलो आउटडोर में हूँ एंड ऑल, तो उतना ज्यादा खाना नहीं खाती हूँ मैं, बिकॉज वर्कआउट उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, पर हो पाता है। आई मैनेज टू डू माई योगा इन द मॉर्निंग, जिम एट नाइट, सो आई डू ऑल काइंड ऑफ स्टफ। सो अभी मैं रूटीन, अभी मैं जो फॉलो करती हूँ, 12 बजे तक आई ईट ओनली फ्रूट्स, नथिंग एल्स, ओनली फ्रूट्स, एंड उसके बाद आई हैड माई लंच, फिर 6 या 7 बजे तक डिनर, कुछ भी लाइक यू कैन हैव दाल राइस रोटी चपाती एवरीथिंग, ईट एवरीथिंग गुड एंड दैट्स हेल्थी एंड अवॉइड बाहर का खाना, whatever like made in your kitchen is good for your health, what I feel. okay, इसके अलावा अगर बात करें आपके करियर की बात करें, तो आपके करियर का ब्रेक थ्रू कौन सा रहा, शो या वेब सीरीज? ब्रेक थ्रू की अगर बात करें, करियर की, अच्छा तो कौन सा शो रहा आपके यू नो करियर का जो ब्रेक थ्रू रहा, टर्निंग पॉइंट? गंदी बात,
must say, and I'm proud to do Ahmedabad. Like when I shifted Mumbai, I used to walk in Bengal. Like I did daily shows, movies, and I used to do theater like bachpan se. So wo sab karke jab main Mumbai shift hui, then I was doing some crime patrol series, Southern India ka series and everything. And everybody was like jab main shoot pe jaati thi ki aap na ye karna band kar do, kyunki jo log crime patrol wagera ye sab karte hain, wo log na baad mein daily show apne karne ka mauka nahi milta. मैं तो मतलब मेरी जिंदगी वही है, मैं सबकी बात सुनती हूँ पर करती हूँ, आई लिसन टू एवरीवन बट आई डोंट डू एनीथिंग, लाइक मैं अपनी करती हूँ. तो मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था. फॉर मी क्राइम पेट्रोल इज अ थिएटर, यू नो, तीन दिन में पूरा एक दिन मतलब एक एक एपिसोड शूट होता था एंड मूड चेंज मतलब यू करके मतलब इतना फास्ट काम होता था. इट्स सो रियल, सो रियल. लाइक स्टोरीज तो वैसे भी मतलब कहीं ना कहीं रियल रहती है. Yes. वो सब जो होता है वो सब कहीं ना कहीं आस पड़ोस में देखते ही या देख चुके हैं, सुने हुई कहानी है. Correct. तो वो प्ले करने में बहुत रियलिस्टिक काइंड ऑफ शूट होता है, तो मुझे कहीं कहीं ना कहीं वो थिएटर लगता था. और मैंने कभी इस बात पे गौर ही नहीं की कि मतलब मैं अगर क्राइम पेट्रोल करूंगी तो ये नो. फॉर मी दैट्स अ शो, लाइक इफ आई लव द स्टोरी एंड आई एम विलिंग टू डू इट, इट्स काइंड ऑफ दैट. फिर उसके बाद आई गॉट गंदीवाद बालाजी का. दैट चेंज माय लाइफ, लाइक एवरीबॉडी इज लाइक लव्ड बिच्छी एंड एवरीथिंग. उसके बाद फिर क्लास ऑफ 2020 आई डिड विकास गुप्ता का, एंड एक्चुअली ये दोनों शो साथ में ही मैंने किया था, बैरिस्टर एंड क्लास ऑफ 2020. आई यूज्ड टू शूट लाइक दिन का वहां पे रात का यहां पे, ऐसा चलता था मेरा शेड्यूल था. ओके, इतने यंग होने के बाद अभी जो आप कैरेक्टर कर रहे हो, यू नो, काफी एक यंग वुमन का कैरेक्टर कर रहे हो. सो अगर फैंस की बात करूं तो किस तरह का यू नो फीडबैक मिला तो शुरुआत में आपको आपके कैरेक्टर को लेकर, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर कैरेक्टर? फॉर माय कैरेक्टर एक्चुअली जैसे कि ये जो शो है ये जिस एरा पे बेस्ड है, दैट इज 1930. एंड तब के जमाने में ऐसे ही होता था, एक बच्चियों की शादी हो जाती थी, फिर कम उम्र में सास बन जाते थे, ये बन जाते थे, एंड सती किया जाता था अगर पति मर गया तो. तो मेरा जो शो में जर्नी रहा वो शुरू से मुझे तो ये पता था कि मेरी शादी होने वाली है. मतलब जब मैंने स्टोरी सुनी थी मुझे ये पता था दैट आई गेट मैरिड टू अनिरुद्ध फादर, बट ये मुझे नहीं पता था कि मैं नेगेटिव होने वाली हूँ या विलन होने वाली हूँ, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं पता था, अंदाजा भी नहीं था. मतलब बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था शादी होने वाला था, ये तो मुझे पता था. तो जैसे मेरी शादी हुई थी, पुराने पुराने जो मैं एपिसोड्स अभी भी देखती हूँ, आई फील सो मतलब गुड, क्योंकि वो बात करने का तरीका ही अलग था. वो जो संपूर्णा थी ते ऐसे नजर झुका के ऐसे करके हाँ जी बोलिए, मतलब ऐसा काइंड ऑफ. आई लव प्लेइंग संपूर्णा, वो अभी हो या पहले हो, मतलब ओवरऑल कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है. कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ और जानती हूँ, लाइक कुछ भी कैरेक्टर आप करो वो अगर दिल से करो, दैट विल बी समथिंग, यू नो, दैट इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली. और पब्लिक रिएक्शन में ये बोलूंगी, मुझे एक चीज बहुत पसंद आती है, मिक्स रिएक्शन मुझे तो मिलते हैं. लोग संपूर्णा को हेट करते हैं, सपोज मैंने बंदिता को आज कुछ कह दिया या मैंने बिहारी जी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, लोग मुझे ये बोलते शर्म नहीं आती आपको, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आते, शर्म नहीं आती, कैसी औरत हो आप, नेक्स्ट लाइन पे यू जस्ट नेल्ड दिस सीन. सो उनको पता है कि वो संपूर्ण कर रही है, एंड वो मुझे अलग से भी फीडबैक देते हैं एज पल्लवी, यू नेल द सीन, यू आर लुकिंग प्रिटी, लाइक ये सीन का कमाल का किया आपने, पर बहुत बुरी लग रही थी बट आई लाइक इट. सो मिक्स रिएक्शन आते हैं, बहुत प्यार करता है लोग संपूर्ण को, दे लव संपूर्ण. मैं इसीलिए कभी कभी वो इंस्टाग्राम में क्वेश्चन आता है ना, दैट आस्क सम क्वेश्चन, हाँ आई डू दैट टू गेट पब्लिक रिव्यू समथिंग, आई लव टू इंटरेक्ट विद पीपल जनरली. सो या दे लव संपूर्ण, कहीं ना कहीं तो प्यार छुपी हुई है. That's great. Okay, Pallavi, you know, आप भी एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हो, शो भी बंगाली है. Yeah. So what was the one thing to take this show? क्या था ऐसी चीज, you know, ये शो लेना, क्या वो एक्चुअली बंगाली कल्चर की वजह से आपने लिया या यू एंजॉय दिस कल्चर मोर? नो एक्चुअली जब मैंने ऑडिशन दिया था तो मैंने ये कैरेक्टर के लिए ऑडिशन नहीं दिया था. मैंने ऑडिशन दिया था सौदा मिनी के लिए, ऑडिशन फॉर सौदा मिनी. तो मैं कैलकटा में थी, तो व्हेन दे कॉल्ड मी, तो मैं एक्चुअली दो बार पहले गई थी ससुर सुमित प्रोडक्शन ऑडिशन देने के लिए, बट ये कैरेक्टर के लिए नहीं, ऐसे ही मतलब कुछ रिक्वायरमेंट भी नहीं था. वैसे मैं गई थी दो तीन बार ऐसे सेल्फ ऑडिशन देने के लिए, फिर आदित्य ने एक दिन मुझे कॉल किया कि आ जाओ एक वो है, मैंने और उसी दिन मेरी फ्लाइट थी, लाइक आई वॉज ट्रेवलिंग कैलकटा टू मुंबई, तो मैंने एयरपोर्ट उतर के सीधा मैं उधर गई. देन आई
फिर उन्होंने मुझे बोला साड़ी वाड़ी कैरी करने के लिए, पर मेरे पास तो साड़ी वाड़ी कुछ था नहीं क्योंकि मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट आ रही थी, तो मैंने कैलकटा से ही साड़ी वाड़ी उठा के मतलब जो भी उस घर पे था कैलकटा वाले घर पे वहां से मैं इधर पहुंची। सो मुझे सौगामिनी का स्क्रिप्ट मिला और मैंने ऑडिशन दिया, मैं ऑडिशन देके फिर चली गई। फिर दो दिन बाद कॉल आता है कि लुक टेस्ट करना है आपका, फिर मैंने बोला ठीक है। तो फिर लुक टेस्ट में मैंने सौगामिनी का गेटअप किया हुआ था, सौगामिनी का गेटअप किया था और मेरा लुक टेस्ट में जो स्क्रिप्ट था वो सौगामिनी की थी, तो मैंने वो किया। उसके बाद जब मैं अग्रीमेंट साइन करने गई तब मुझे ये कैरेक्टर ब्रीफ मिली कि सशी मैम वांट्स यू टू प्ले संपूर्णा इज द पॉजिटिव यू नो सेकंड लीड इन द शो। ऐसा ऐसा लाइक या 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 आई एम हैप्पी टू डू दिस लाइक पॉजिटिव। मुझे पहले पता था मैं सौगामिनी कर रही हूँ, फिर जब मैं गई धीरे धीरे जब कैरेक्टर एस्टेब्लिश हुआ संपूर्णा आई लिटरली लव्ड इट, आई लव्ड इट। ओके कई बार हमने सुना है यू नो आप सेट पर भी टिप्स देती हो, कभी प्रोडक्शन में यू नो बंगाली लैंग्वेज को लेकर कुछ हो जाता है कुछ नहीं तो आप उन्हें यू नो सलाह देती हो, सलाह मशवरा करती हो। ये इस बारे में जाना ये, तो ऐसा जब ऐसा होता है लाइक अभी हम जिस दिन राजकोट गए थे, तो हम जिस दिन गए थे उसके अगले दिन मेरा शूट नहीं था, आई वाज इन शूटिंग, आई वाज इन द होटल एंड ये लोग शूट कर रहे थे, दूसरे दिन मेरा शूट था। तो प्रोडक्शन ने मुझे एंड दे नो दैट हाउ मच आई एम ऑब्सेस्ड विद माय डाइट एंड जिम, उन्होंने बोला सुनो ना कल तुम्हारा शूट इसीलिए नहीं रखा है, कल तुम्हें पूरे दिन हम जिम करने का मौका दे रहे हैं। आई वाज लाइक सीरियसली लाइक दे डू दिस। तो वहां से मुझे कॉल आया, तो देयर वाज अ वर्ड इन बंगाली फाटा फाटी, लाइक जब हमें कुछ चीज अच्छी लगती है हम बोलते फाटा फाटी वाली चीज, इट्स लाइक सो गुड, सो हम ये बोलते। तो स्क्रिप्ट में लिख के आया फाटा फाटी, अब उनको समझ नहीं आ रहा है क्या, तो लास्ट कॉल तो मुझे मतलब वो मुझे ही करते हैं, तो मैंने उनको बोला फिर अच्छा फाटा फाटी मतलब सो गुड। फिर ऐसा मतलब वहां पे नहीं हर टाइम होता, इवन आई एम इफ आई एम नॉट शूटिंग ऑल्सो दे विल कॉल मी एंड आस्क दिस लाइक ये क्या है, और जब मैं रहती हूँ तो बहुत करेक्ट करते करते पागल हो जाती हूँ। Okay. इसके अलावा अगर बात करें अनिरुद्ध और बॉन्डिता की बॉन्ड की, तो किस तरह का आपका यू नो बॉन्ड है इन दोनों के साथ? अच्छा बॉन्ड है बहुत ज्यादा, बॉन्डिता इज लाइक माय सिस्टर होती, लाइक आई डोंट फील लाइक कि यू नो हम एक्टिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। बट अभी क्या होता है मैं बताऊंगी, जब से मैं नेगेटिव बनी हूँ, पहले तो नेचुरली जाता था क्योंकि मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है, तो वो बॉन्ड कहीं ना कहीं वो ऑन स्क्रीन भी दिखती है। बट अभी क्या हमको प्रिटेंड करने की हम नफरत करते हैं, तो कभी कभी सपोज मेरा बहुत बड़ा मोनोलॉग है या कुछ है तो बॉन्डिता आके मुझसे चलो ना दीदी ये करते वो करते रील्स बनाते फोटो खींचते ये करते, नहीं करना कुछ मैं तो कैरेक्टर में रह के मैं उसे कभी कभी बोल दी मैं कहा ना नहीं करना है जाओ यहाँ से, और वो पहले पहले वो उसको लगा था कि व्हाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस, तो वन डे आई कॉल्ड हर लाइक आई एक्सप्लेन कि यार नहीं नहीं मैं तो प्रैक्टिस कर रही, तो कभी कभी मैं उसके साथ ये सब प्रैंक करती रहती हूँ। ओके बट अभी भी वैसे नहीं, जब कट बोलता है तो वी हग ईच अदर, और जैसे एक्शन बोलता है वी आर लाइक दिस। अगर फन मोमेंट्स की यू नो बात करें, एनी मेमोरीज की अगर बात करें, तो ये दोनों के साथ किस तरह की मेमोरी आपकी? रोज होता है अभी मतलब प्रविष्ट के साथ तो मतलब बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग, लाइक हम तो शूट के बाद बोल मैं त्रिलोचन मतलब ऋषि जी, मैं ऋषि जी एंड प्रविष्ट हम बैठ के साथ में डिनर करते हैं, उसके बाद हम अपनी बातें करते हैं पूरे दिन क्या हुआ है, काम के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, पूरे दिन क्या हुआ है आज ये रहा आज वो रहा, दो तीन मिनट इनको गॉसिप हो गया, उसके बाद अपने लाइफ का मतलब ऋषि जी मतलब बहुत ही अच्छे है, मतलब उनकी वजह से हमारा एक मतलब जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसा होल्ड पे है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है, वो मतलब इतने अच्छे बातें करते हैं ना आप जो कहीं ना कहीं खो जाओगे, मतलब उनको पूरी दुनिया शेयर करा सकते हैं आपको बातों में, मतलब ऐसा होता है। एंड तो मैं कभी ग्लिसरिन लेके नहीं रोती हूँ, लाइक आई ऑलवेज ट्राई टू डू अ नेचुरल, सो व्हाट आई डू आई गो सपोज बहुत एक इमोशनल सीन है मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ, उसके बाद दिल में बिठा लेती हूँ, उसके बाद मैं क्या करती हूँ आई आस्क फॉर 2-3 मिनट्स, तब मैं गाना गाती हूँ, गाना गा के मेरी आंखों में आंसू आ जाती है, देन आई इज लाइक आई एम रेडी आई एम रेडी आई एम रेडी, देन फिर एक्शन होता है, फिर मैं काम मतलब टेक करती हूँ। तो ये गाने गाने वाला सीन वो भी मतलब मैं ऐसे करती हूँ, सपोज कोई कोई गाना हो तो मैं ऐसे एकदम देख के महसूस करके वो गाती हूँ। तो एक दिन मैं जब इस घर में मेरी शादी रॉय चौधरी हवेली में मैंने देखा 2 मिनट चाहिए 2 मिनट चाहिए ऐसे करके कुछ गुनगुना रही है और ऐसे करके देख रही है, ऐसे करके बोला
तो क्या कर रही है वो जो आप करते हो ना अननेचुरल तरीके से आंसू लाने की कोशिश कर रही हूँ रियली वाज शी टॉक लाइक दिस ऑलमोस्ट आई वाज लाइक ओके तो ऐसे मतलब और बीच बीच में सीन में वो उसको डायलॉग याद रहता है सबका खुद का नहीं पर सबका या खुद का नहीं रहता है आपने ऐसे किया था ना सपोज मैंने मास्टर में उसको ऐसे किया था और क्लोज में मैं भूल गई करना अरे आपने मुझे ऐसे किया था ना सो यू शुड डू लाइक दिस ओके अनिरुद्ध यू नो अनिरुद्ध और वंदिता के अगर एज डिफरेंस की बात करें तो काफी एज डिफरेंस है फिर भी उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है तो इस बारे में आप क्या कहना चाहूंगी अभी वो एक जो रेस्पेक्ट है ना उन दोनों में मतलब वो प्यार नहीं है पर फिर भी जो प्यार है मतलब देखो प्यार जरूरी नहीं है कि मतलब एक हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ही हो करे ये जो प्यार है ना मतलब वो एक टीचर एक शिष्य भी है वो लोग प्लेमेट्स भी है वो लोग मतलब एक पति पत्नी का तरह झगड़ते भी है एक दूसरे को भाई बहन की तरह मनाते हैं मतलब माँ और बाबा की तरह अनिरुद्ध उसका ख्याल रखते तो एक मिक्स्ड क्या बोलते मतलब सारे परिवार वालों को वंदिता को बस एक ही में पाया है वो ऐसा मैं बोलना चाहूँ अच्छा लाइक भाई बहन माँ बाप एवरीथिंग इज अनिरुद्ध फॉर हर तो ये जो प्यार है ना ये बहुत वो वाला प्यार नहीं ये बहुत मासूमियत और रेस्पेक्टफुल वाला प्यार है जिसको मैं भी बहुत पसंद करती हूँ जब मैं सीन्स देखती हूँ और वो रिश्ता तेरा मेरा था आई वाज लाइक माय गॉड बहुत अच्छे जाते हैं उनके सीन्स तो पर ये हाँ मतलब लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो अनिरुद्ध ऑब्वियसली चाहते हैं कि वो बैरिस्टर बने और जिस तरह से वो उसको सपोर्ट कर जाए मतलब दैट्स रियली मतलब वो वाला प्यार तो अलग ही है कोई आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में सपोर्ट करे वो प्यार तो अलग ही करेक्ट करेक्ट ओके लास्टली सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली अभी यू नो वंदिता का बर्थडे था तो किस तरह यू नो ऑन सेट सेलिब्रेट किया गया उनका बर्थडे और कितना एंजॉय किया गया और क्या एंजॉयमेंट में मिस किया सबसे ज्यादा लॉकडाउन की वजह से हमने कुछ नहीं मिस किया बिल्कुल भी नहीं मिस किया क्योंकि हम सब एक ही जगह पे थे और हाँ सबसे बड़ी बात ये है जो सबसे अच्छा था मुझे मतलब मैं औरा की मम्मी जो है तो उन्होंने पहले मुझे बताया था कि शी विल कम एंड शी विल गिव हर सरप्राइज मैंने बोला तो ठीक है फिर उन्होंने एंड मोमेंट पे मुझे बोला नहीं हम नहीं आ पाएंगे शायद तो आई वाज लाइक ठीक है पर शी विल एक्सपेक्ट यू राइट तो ऐसे करके बोला नहीं तो मैं और बोलती थी मेरा पैकअप हो गया ऐसे टहल रहे ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के टहल रहे और मैं गाना गा रहे हम दोनों ठीक है मैं पीछे से देख रही हूँ कि ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कोई ऐसे गाड़ी से झांक रही है फिर ऐसे जा रही है मैंने उसको बोली तुम्हारी मम्मी है क्या फिर वंदिता बोल दिया मम्मी कहाँ से आ जाएगी यहाँ आप भी ना किस किस को मम्मी बना देते हो शी सेड दिस नहीं ये तेरी मम्मी है एंड शी रियलाइज व्हेन वो जो दौड़ी बाप रे एंड फिर रोई वो वीडियो उसकी मम्मी ने भी पोस्ट किया वो मैं ही बना रही थी वो वीडियो फिर शी क्राइड अ लॉट उसके बाद जब पैकअप हुआ फिर हम रूम पे गए फिर देखा प्रोडक्शन ने ससुर सुमित प्रोडक्शन ने सारा रूम पूरा ऐसा डेकोरेट करके रखा था फिर वहाँ पे केक कटिंग तब नहीं हुई थी कि नेक्स्ट डे सुबह हुई थी सेट पे केक कटिंग इतने बहुत सारे लाइक 10-11 केक्स आए थे और सबने मिलके बहुत मजे की फिर रात को जाके जिम में हम सब जिम करते हैं ना वहाँ मतलब आफ्टर पैकअप वी डू जिम तो जिम के बाद उसकी मम्मी ने ऐसे बोल के मतलब होटल वालों को सारा कुछ डेकोरेशन वगैरह हमने बोल के करवा रखा था तो और अजय भाई सुबह हैड पार्टी कुछ नहीं ऐसे केक वेक काटा फिर साथ में सब डिनर किया ना लाइक बट वी हैड फन लाइक सब एक साथ थे ना तो दिन कैसे बीत गया काम में पार्टी में सो इट्स अ पैक्ड अप पार्टी ओके सो लास्ट क्वेश्चन ये है कि यू नो बैरिस्टर बाबू के साथ कुछ और भी प्रोजेक्ट लाइनअप हो रहे हैं पाइपलाइन में है या ओनली अभी सिर्फ बैरिस्टर बाबू पे फोकस आपका फिलहाल पाइपलाइन में तो था प्रोजेक्ट बट लॉकडाउन के चक्कर में अभी थोड़ा बंद हो गया बंद इन देंस पॉज हो गया यू कैन से पोस्टपोन हो गया मेरी क्लास ऑफ 2020 सीजन 2 जो आने वाला है बहुत जल्द बट हम शूट स्टार्ट करने वाले थे अप्रैल से बट तो अभी फिलहाल लॉकडाउन अभी ना जून जुलाई के बाद ही होगा बट वही है नेक्स्ट मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट वही है लाइक बैरिस्टर बाबू और वो सीजन 2 आएगा बल्दे बालाजी का अच्छा फिलहाल अभी बीच में कुछ आता है तो आई डू इट ओके ओके सो मैसेज टू योर फैंस एंड व्यूअर्स थैंक यू सो मच फॉर लविंग बैरिस्टर बाबू फॉर लविंग मी एंड कीप लविंग अस That is what I can say because we all are doing a lot of, you know, a lot of manner. क्योंकि 42 मतलब ऐसा लगता है ना शूट आउटडोर जब चलता है कि सूरज मतलब
शरीर के अंदर ऐसा लगता है, बहुत गर्मी है वहां पे बहुत ज्यादा। एक सीन करते करते और सबसे बड़ी बात है हर रोज प्रोडक्शन एक नया शेक हमें बना के देते हैं, मिल्क शेक वगैरह। आई हैव टू कीप ड्रिंकिंग नींबू पानी, कीप ड्रिंकिंग एंड ऑल, यस यस एवरीथिंग। एंड फॉर यू गाइस, यू स्टे सेफ, स्टे होम, बस काम कीजिए और ख्याल रखिए अपना।